वसई विरार के डॉन भाई ठाकुर की कहानी आप सुन चुके हैं और उनसे जुड़ा एक किस्सा भी। आज की कहानी वो है जो हमने आपको भाई ठाकुर के बायोग्राफी वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था, यानी कि आज की कहानी है उस मर्डर की जिसने पहली बार भाई ठाकुर को कानूनी तौर पर अपराधी बनाया और उसे सलाखों के पीछे धकेला। विरार से पहले के स्टेशन नालासोपारा में दिन दहाड़े एक मर्डर हुआ। वहां पर सैकड़ों की भीड़ खड़ी थी, लेकिन जब जांच हुई तो एक भी गवाह सामने नहीं आया। फिर किस तरह से यह केस आगे बढ़ा और कितनी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस मर्डर के आरोपी को छुपाने में, यही इस कहानी को खास बनाती है। यह कहानी है सुरेश दुबे के मर्डर की। क्या कुछ हुआ था उस दिन और कैसे यह केस आगे बढ़ा, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई के वेस्टर्न सबअर्ब नालासोपारा में पांच भाइयों का एक परिवार रहता है, दुबे परिवार। इस परिवार में पांच भाई रहते थे, डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, जय प्रकाश दुबे, नरेश दुबे, सुरेश दुबे और सुभाष दुबे। ये पांचों भाइयों का परिवार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कामकाज के सिलसिले में नालासोपारा में शिफ्ट हुए थे और यहीं पर रहने लगे थे। नालासोपारा में इस परिवार का एक घर था जिसके ग्राउंड फ्लोर पर इन सभी भाइयों का बिजनेस था और ऊपर के फ्लोर पर सभी परिवार रहते थे। जहां सबसे बड़े भाई डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वहीं सुरेश दुबे रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे। सब कुछ सही चल रहा था और किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सुरेश दुबे का क्योंकि रियल एस्टेट का कारोबार था, इसीलिए वह नए नए जगह को देखते, उनको खरीदते और उस पर बिल्डिंग बनाते। साथ ही वह पुराने बिल्डिंग को खरीदकर उसे रेनोवेट करके उसे बेचते थे। हमेशा की तरह सुरेश दुबे ने एक प्लॉट खरीदा और उसके ऊपर वह अपना कुछ काम करवाने वाले थे। उसी दौरान उस प्लॉट के ऊपर वसई विरार के नामी अपराधी और डॉन जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर की नज़र पड़ी। यह साल 1989 की बात हो रही है, 1989। उस दौर में भाई ठाकुर का दबदबा इतना ज़्यादा था कि कोई भी उसे मना करने की हिम्मत नहीं करता था। भाई ठाकुर का बड़ा भाई हितेंद्र ठाकुर भी उस समय पॉलिटिक्स में एक्टिव हो चुके थे, इस तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट भी भाई ठाकुर के साथ ही था। साल 1989 के शुरुआती महीनों में भाई ठाकुर ने सुरेश दुबे को अपने घर पर बुलवाया और उसे वह जमीन उचित दाम पर दे देने की बात कही, लेकिन उस प्लॉट की कीमत आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी, इसलिए सुरेश दुबे उस प्लॉट को बेचना नहीं चाहते थे, जिसके बाद सुरेश ने उसे मना कर दिया। जिसके बाद भाई ठाकुर के लोग उसे धमकाने लगे कि अगर वह प्लॉट भाई ठाकुर को नहीं देते हैं तो उसका खेल खलास कर दिया जाएगा। सुरेश दुबे इस बात को अपने घर पर आकर बताते हैं, जिसके बाद सब डर जाते हैं और पुलिस कंप्लेन फाइल करने का विचार करते हैं। इसके बाद जब वे सभी दुबे भाई अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बजाय उन भाइयों को नसीहत दी जाती है कि तुम लोग भाई ठाकुर की बात को मान लो, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वे सभी पुलिस स्टेशन में बिना कंप्लेन लिखवाए ही वापस अपने घर आ जाते हैं। इसी बीच यूपी के ही एक और शख्स रमाकांत पांडे, जो भाई ठाकुर का खास था, वह सुरेश दुबे को समझाने के लिए उसके घर पहुंचते हैं कि भाई ठाकुर से दुश्मनी मोल मत लो, वे अच्छे लोग नहीं हैं और कुछ भी कर सकते हैं। भाई ठाकुर ने रमाकांत को इसीलिए सुरेश के घर पर भेजा था कि वह भी यूपी से ही है तो हो सकता है कि शायद रमाकांत की बात सुरेश मान ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद दुबे परिवार में डिसाइड यह हुआ कि जब तक इस मैटर का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उस समय तक सुरेश घर से बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद उनको कुछ दिनों के लिए यूपी में उनके घर भेज दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद सुरेश का साला अमरनाथ यूपी से नालासोपारा उनके घर में आते हैं। बातचीत में पता चलता है कि वह अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखने आया है जो मुंबई के विले पार्ले में रहता है। फिर जब वह गांव जाएंगे तो दोनों साथ में चले जाएंगे। अब जब लड़का देखने की बात आती है तो सुरेश दुबे बोलते हैं कि मैं भी चलता हूं साथ में, बहुत दिनों से मैं भी घर से बाहर नहीं निकला हूं। 9 अक्टूबर 1989 की तारीख, ये दोनों लड़का देखने के लिए लोकल ट्रेन से विले पार्ले के लिए घर से निकलते हैं। ये दोनों अब ट्रेन पकड़ने के लिए नालासोपारा स्टेशन पर आते हैं।
इसी बीच सुरेश दुबे का साला जूता पॉलिश करवाने लगता है और खुद सुरेश दुबे एक अखबार लेकर उसे पढ़ने लगते हैं। यही सुरेश दुबे से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब उनको मालूम था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है तो उनको अलर्ट रहना चाहिए था, लेकिन वो यह सोचकर निश्चिंत थे कि इतनी भीड़ भाड़ वाले जगह पर कोई क्या ही हमला करेगा। लेकिन सुरेश दुबे का यह अनुमान गलत निकला और उनके ऊपर घात लगाए मानिक पटेल के शूटर नरेंद्र भोईड ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। जल्दी जल्दी में उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। यहां पर उनके भाई डॉक्टर ओम प्रकाश समेत 3 डॉक्टर्स उनका इलाज करने लगते हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं होता है और सुरेश दुबे दम तोड़ देते हैं। इस घटना में एक और राहगीर मुकेश रतिलाल साह को भी गोली लग जाती है और वह भी घायल हो जाते हैं, लेकिन वह सुरक्षित रहते हैं। इस घटना के बाद नालासोपारा स्टेशन के रेलवे पुलिस फोर्स का जो हेड होते हैं वह सुरेश दुबे के घर जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि अगर आप लोग पुलिस कंप्लेन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें भाई ठाकुर के नाम का जिक्र ना हो। अब बताइए, एक मर्डर हो गया और इसके दूसरे ही दिन पुलिस का ऐसा रवैया देखने को मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई ठाकुर का असर कितना और कहां कहां पर था। उस दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड भी काफ़ी एक्टिव थी और भाई ठाकुर का उसके साथ भी संबंध था, जिसका वह भरपूर फायदा उठा रहा था। इसके बाद दुबे परिवार दूसरे पुलिस चौकी में जाते हैं। वहां भी यही बात सुनने को मिलती है कि हम आपका स्टेटमेंट तो ले लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में भाई ठाकुर का नाम कहीं भी नहीं आनी चाहिए। फिर भी अपनी तरफ से दुबे परिवार कैसे भी करके इस केस को सेशन कोर्ट तक लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके पास कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। जिन शूटरों पर संदेह था, कोर्ट में पुलिस कहती है कि ये दोनों उस रात हमारे हाजत में बंद था। जिस बंदूक से गोली चली थी उस बंदूक को बदल दिया जाता है और यहाँ तक कि बुलेट्स को भी बदल दिए जाते हैं। कुल मिलाकर साल 1992 तक दुबे परिवार के हाथ कुछ भी नहीं आता है और सबूत के अभाव में वह सेशन कोर्ट में केस हार जाते हैं। सुरेश दुबे के साथ हुए घटना के डर से दुबे परिवार 3 सालों तक घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला था। साल 1991 में सुधाकर नाइक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसी दौरान बहुत सारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी होता है। इस दौरान नालासोपारा रेंज के DIG बनते हैं SS सुराडकर। वह एक नॉन करप्टेड ऑफिसर थे और इसीलिए वह विख्यात भी थे। जब वह नालासोपारा रेंज के DIG बनकर आए तो दुबे परिवार उनसे मिले और उनको पूरा किस्सा सुनाया। DIG SS सुराडकर के कहने पर चारों दुबे भाइयों ने 18 मई 1992 को एक नई एप्लीकेशन दी। यह एप्लीकेशन बाद में FIR में दर्ज हुई। साल 1994 से 1997 तक इस केस में कुल 17 लोगों पर मुकदमा चला। शेष आरोपी फरार थे। हालांकि इस केस के एक आरोपी भाई ठाकुर को साल 1993 में दिल्ली में गिरफ्तार किया जा चुका था। पुणे के टाडा कोर्ट ने भाई ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद भाई ठाकुर पर नालासोपारा केस में मुकदमा दिल्ली केस के मुकदमे के चलने की वजह से साल 2003 में ही शुरू हुआ। साल 1997 में खत्म हुए मुकदमे में पुणे टाडा कोर्ट ने 16 मई 1997 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद बड़े भाई डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे ने इस टाडा कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 12 जनवरी 2000 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस GT नानावाटी और जस्टिस SP कुरुडुकर के बेंच ने उस मामले में शूटर नरेंद्र भोई और वसई के माफिया मानिक पटेल समेत 4 और लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साल 2003 में भाई ठाकुर और कुछ अन्य आरोपियों, जिसमें एक पुलिस अधिकारी आनंद पारेडकर भी शामिल है, उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। इसमें ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ कालिदास पटेल को डिस्चार्ज किया, जबकि बाकी सबको दोषी करार दिया। उस घटना के बाद से दुबे परिवार देश भर में कहीं भी जाती थी तो उसके साथ पुलिस प्रोटेक्शन होता था, लेकिन साल 2014 के नवंबर महीने में पालघर के SP सुवेज हक ने उसे अब सिर्फ पालघर जिले तक ही सीमित कर दिया है। इस बारे में बड़े भाई डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे का कहना है कि SP के इस फैसले से उनकी और उनके भाई की जान को खतरा बढ़ गया है। उन्होंने पुलिस से उन्हें व परिवार को फिर से वैसी ही सुरक्षा देने का अनुरोध किया है जैसे उन्हें अब तक मिलती रही है। इसके बाद कोंकण के तत्कालीन IG अमिताभ गुप्ता ने कहा कि वह दुबे बंधुओं के अनुरोध पर विचार करेंगे। ओम प्रकाश और उनके भाई जयप्रकाश इस दौरान बिना पुलिस प्रोटेक्शन के पुणे की टाडा कोर्ट में गए और बिना प्रोटेक्शन के वापस आए। हम आपको बताते चलें कि दिवंगत सुरेश दुबे की दो बेटी है।
एक वकील है जिनका नाम नेहा दुबे है और वह पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। दूसरी है चिंकी दुबे जो पेशे से एक डॉक्टर है। इस घटना और इसी केस की वजह से भाई ठाकुर कानून के जंजीर में फंसा और आज तक वह बाहर नहीं निकल पाया है। हालांकि हालिया दिनों में वह पेरोल पर विरार स्थित अपने घर में ही रह रहा है। इस कहानी में हमने वसई के एक और माफिया मनिक पाटिल का नाम लिया था। हम आगे आने वाले वीडियो में आपको इसकी भी कहानी सुनाने वाले हैं। वसई विरार क्षेत्र में भाई ठाकुर के बादशाहत को चुनौती देती सुरेश दुबे मर्डर केस की यही थी पूरी कहानी। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।